गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में बने गुरु दरबार में माथा टेका। यहां आयोजित समागम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पीएम मोदी और नीतीश कुमार बातचीत करते नजर आए, हंसी के ठहाके भी यहाँ खूब लगे। प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 350 साल पहले एक ऐसी दिव्यात्मा का जन्म हुआ जिसने मानवता को एक दिशा दी, संस्कार दिए और मूल्य सिखाए। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व के सफल आयोजन के लिए बिहार की जनता और नीतीश कुमार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने शराबबंदी पर भी नीतीश कुमार के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश पर्व नीतीश कुमार को इस मामले में और काम करने के लिए ताकत देगा। नीतीश कुमार आगे भी बिहार की भलाई के लिए काम करते रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। नीतीश ने शराबबंदी के मामले में गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रयासों की तारीफ की और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया। वैसे हाल के दिनों में मोदी और नीतीश के बीच की तलखी कम हुई है। नीतीश ने मोदी के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया था, जिसके बाद आज दोनों एक मंच से एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। वहीं इसके बाद अटकलें शुरू हो गई है कि आखिर ये तारीफ क्या कहती है। देखते रहिए डीबी लाइव।